कंप्यूटर पे काम करते वक्त मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है. किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेटिवली करने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वो है कॉफ़ी. अक्सर मैंने देखा है जो लोग कॉन्सेंट्रेटिवली काम करते हैं वो लोग कॉफ़ी पीना प्रेफर करते हैं, और मैं भी. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल मॉर्निंग ग्रेवी. आज मैं आप लोगों के साथ कॉफ़ी के कुछ ऐसे ही छुपे हुए बेनिफिट्स शेयर करूंगी जो ऑलमोस्ट सब लोगों को नहीं पता होंगे. इनके बारे में आपको बताएंगी ये मैडम. आज की डेट में डायबिटीज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, एक आम बीमारी हो गई है. एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति माइल्ड डायबिटीज से पीड़ित है. ड्रिंकिंग 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी विदाउट शुगर, 1 कप कॉफ़ी सुबह, 1 कप कॉफ़ी शाम को आपकी डायबिटीज़ को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगी. और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 5% तक डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है. एक जो सबसे खास बात मैंने आजकल के लोगों में नोटिस की है वो ये, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग स्ट्रेसफुल अनहेल्दी लाइफ. 1 कप ऑफ कॉफ़ी हेल्प्स रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक्स यू फील फ्रेश. रोज़ाना 1 कप कॉफ़ी आपको तनाव मुक्त रखेगी और आपको तरोताज़ा बनाए रखेगी. ओबेसिटी, मोटापा आज हिंदुस्तान में भी अपने पैर पसारने लगा है, और इसका रीज़न है हमारी तेज़ी से भागती दौड़ती ज़िंदगी में जंक फूड खाना. मोटापे से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कॉफ़ी. कॉफ़ी हमारे शरीर में इकट्ठे हुए एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर देती है और हमारे शरीर में जंक फूड से होने वाले नुकसान से भी हमें बचाती है. जस्ट 2 कप ऑफ डेली, 1 कप इन द मॉर्निंग, 1 कप इन द इवनिंग, इट विल मेक एवरीथिंग ऑल. कॉफ़ी इज़ अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर. कॉफ़ी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है. कॉफ़ी में कैफीन के साथ साथ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काम करते हैं, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे बचाने में हेल्प करती है और हमारी जो बॉडी है उसको रेगुलरली फिट रखती है. पैरासैंथीन, अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी व्हेन इट डाइजेस्ट कैफीन. दिस प्रोटेक्ट्स लीवर फ्रॉम सिरोसिस कॉज्ड बाय अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स एंड फैटी लीवर कॉज्ड बाय नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी. इन शॉर्ट, कॉफी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ लीवर. डेली कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हो, तो आपको कॉफ़ी पीने से पहले एक चीज़ का ये ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है, कहीं आप हाई बीपी के पेशेंट तो नहीं हो. अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो तो आपको डेली कॉफ़ी पीना अवॉइड करना है. आप हफ्ते में 2 बार कॉफ़ी पी सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कॉफ़ी नहीं पीना है, अदरवाइज़ आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम जो है वो आपका बढ़ सकता है. इसीलिए आपको ये सावधानी रखना कॉफ़ी पीते वक्त, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप लोगों को मेरी कॉफ़ी पे के हेल्थ बेनिफिट्स पर मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो. मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक मेरी नई वीडियो आती है तब तक कॉफ़ी पिए और फ्रेश रहें मेरी तरह.